आधार एक्ट ऐसा अराउंड 2017 है ना, आधार एक्ट से इशू रेज हुआ अबाउट प्राइवेसी. फॉर एग्जांपल यू आर बाइंग अ सिम कार्ड और समथिंग है ना, एंड यू आर प्रोवाइडिंग आधार कार्ड, देन योर बायोमेट्रिक्स. नो यूपीएससी कैन आस्क यू अ क्वेश्चन ऑन व्हाट इज बायोमेट्रिक्स. मैंने डाला हुआ है कर लेंगे हम. इफ आई टॉक अबाउट प्रीलिम, प्रीलिम पर आपको या तो यूआईडीएआई बॉडी उस पर क्वेश्चन आएगा, और दे कैन आस्क यू अ क्वेश्चन ऑन व्हाट आर बायोमेट्रिक्स, कि बायोमेट्रिक्स की हम बात करें ये है क्या. नाउ नाउ सम पीपल सेइंग दैट दिस विल लीड टू अ वायलेशन ऑफ अ प्राइवेसी है ना. प्राइवेसी का वायलेशन है, आपका डेटा किसी के पास जा रहा है. इफ दैट पर्सन स्टोर दैट डेटा और वो कल को आपको ट्रैक करे एंड ऑल दिस थिंग, कोई भी कर सकता है, फिंगरप्रिंट से आर देयर और अदर थिंग्स, रेटिना वगैरह जो भी है, इट इज स्कैन इज देयर है ना. सो इट मीन्स दैट दैट विल वायलेट योर प्राइवेसी. तो उस टाइम पर आर्गुमेंट क्या था, यस दे वर सेइंग दैट आधार का जो डेटा आ रहा है इट इज़ विद द बॉडी यू आई डी है, जो नीति आयोग के पास उस टाइम प्लानिंग कमीशन के पास थी, बट नाउ नीति आयोग ठीक है. वो दैट वाज अ जस्ट अ अटैच ऑफिस ठीक है, वो कोई स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं थी. दैट वाज नॉट फॉर्म विद द लॉ. सो वो कहते हैं यू हैव टू प्रोवाइड इट विद द लॉ, कि वो बॉडी जिसके पास डेटा जा रहा है वो गवर्नमेंट की हो और वो लॉ के अकॉर्डिंग बने. ओनली देन वी कैन से दैट वो प्रोटेक्शन रहेगी हमारे डेटा. देन सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी, दैट इज कौन सी दी, राइट टू प्राइवेसी. नो राइट टू प्राइवेसी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट क्या थी, दैट राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21. Now this statement of what is violate this Aadhaar violate this word, क्योंकि यहाँ पर तो right to privacy is a fundamental right है. For example मैं अब मेरी कोई information ले रहा है आधार कार्ड के थ्रू ऑनलाइन एंड ऑल दी सिंगर दिए है ना, मैंने किसी को दिए, कल को मिस यूज करे तो मेरी प्राइवेसी गई. तो इसका सोल्यूशन क्या था कि आप एक बॉडी बनाओ विद द लॉ, तो वो उन्होंने बनाई यू आई डी आई ठीक है, दैट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी ठीक है, उसका सोल्यूशन दे दिया. नाउ सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक चीज दी है राइट टू प्राइवेसी में, दैट राइट टू प्राइवेसी है थ्री एस्पेक्ट, कौन कौन से हैं, वन इज फिजिकल, सेकंड इज इंफॉर्मेशनल, थर्ड वन इज प्राइवेसी ऑफ चॉइस. नो इट्स सेड दैट ये आपको तीनों याद होने चाहिए. फॉर द एग्जाम्पल इट सेज दैट फिजिकल कैसे, दैट प्राइवेसी अवर थ्री एस्पेक्ट. प्राइवेसी इज नॉट ओनली वी कैन से फंक्शनल एस्पेक्ट, कि कोई भी किसी के एक जैसे फिजिकल हो गया, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन लीकेज इज नॉट ओनली आ वी कैन से प्राइवेसी, इट हैव थ्री एस्पेक्ट. वन इज फिजिकल, फिजिकल में क्या आएगा, बायोमेट्रिक्स, बॉडी बायोमेट्रिक्स. इसमें कौन सा इशू आएगा, आधार, आधार के इशू आएगा इसमें है ना. इट मीन्स दैट आधार विल बी कवर्ड अंडर दिस एस्पेक्ट. प्राइवेसी के तीन पार्ट है, वी कैन से थ्री एस्पेक्ट ऑफ प्राइवेसी. वन इज अ फिजिकल, सो इट मीन्स दैट इफ समवन ट्राई टू वायलेट दिस आधार इट विल बी ऑल्सो कवर्ड अंडर द प्राइवेसी. सेकेंड इज इंफॉर्मेशनल, इंफॉर्मेशनल में क्या होगा, व्हाट यू सेल, आपकी सैलरी कितनी है एंड ऑल दिस थिंग, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन है ना, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन. अगर मैं इसमें भी एप्लीकेशन डालूँ तो इसमें कौन सा इशू आएगा, सरोगेसी. सरोगेसी में मैंने अभी करवाया ना, दैट यू हैव टू गेट अ सर्टिफिकेट ऑफ इनफर्टिलिटी फ्रॉम अ मेडिकल बोर्ड है ना, तो वहाँ पर यू आर प्रोवाइडिंग अ इन्फॉर्मेशन. इट मीन्स दैट सरोगेसी इज वायलेटिंग अ दिस पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव. Although it can be included in other from either ways, जो भी आपकी डिबेट है, but
directly it is violating in this way. Third one is privacy of choice. Privacy of choice kya hai? What do you eat? अब इसमें कौन सा वायलेशन है? बीफ का इशू, ठीक है? सो आपको क्वेश्चन प्राइवेसी पर ऐसे नहीं आएगा. दे विल आस्क यू दैट राइट टू प्राइवेसी जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज अ लैंडमार्क जजमेंट. दिस इज द स्कोप ऑफ दैट जजमेंट. स्कोप देखो कितना बड़ा है. एक तो आपका आधार के बेस पर आपने ले लिया. नाउ सरोगेसी का इशू, इट मींस दैट इट हैव अ वाइट वाइडर स्कोप है ना. तो सरोगेसी का बिल भी हम ऑन द बेसिस ऑफ वायलेशन ऑफ राइट टू प्राइवेसी पर कर सकते हैं काउंटर. बीफ व्हाट यू ईट है ना, तो बीफ का इशू है दैट इज आल्सो वायलेशन ऑफ प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी. इफ आई डिस्कस इन डिटेल इट इज अ वायलेशन ऑफ प्राइवेसी ऑफ चॉइस. तो ये तीन उस लैंडमार्क जजमेंट की अगर आप पीडीएफ निकालोगे ना, दे हैव गिवन अ थ्री थिंग्स. कि हम जो न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं वहाँ तो जनरल राइट टू प्राइवेसी डिस्कस होता है, बट यू नो यू शुड नो द ऑल दीज थ्री एस्पेक्ट. सो इट मीन्स दैट प्राइवेसी इज नॉट ओनली अ इन्फॉर्मेशन जैसा हम सोचते हैं, इट इज ऑल्सो अबाउट अ फिजिकल, इट इज ऑल्सो अबाउट अ प्राइवेसी ऑफ चॉइस. ये हो गया आपका, लिख लिया. स्कोप क्या होगा और इसका? मेडिकल टर्मिनेशन. अब अबॉर्शन होगा. They will say that abortion is a right to child. मैंने हमने अभी सरोगेसी में किया ना, right to child is also included in a privacy, है ना, वो private issue है. So right to not a child, अब abortion will be also judged on this right to privacy. Then prevention of data theft, ये तो एक positive आएगा है ना, क्योंकि right to privacy है, कोई मेरा data कोई चुरा नहीं सकता, मतलब कागजों में वैसे तो चलता रहता हमारा. Then surrogacy is there. So these are major aspects. If you understand it in a detail, लिखवा दूँगा, ठीक है? Then उसके बाद आधार आया. आधार पर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट क्या थी? आधार को सुप्रीम कोर्ट ने वैलिड बताया नहीं? ये हो गया आपका. Now the second point is आधार जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट. देखो अगर एग्जाम में आया ऐसे फ्लो में लिखोगे ना, फ्लो चार्ट में वगैरह, देन यू विल डेफिनेटली गेट अ मार्क्स. बिकॉज क्वालिटी ऐसा सब्जेक्ट है, या तो जिसका है वो अच्छा लिखता है, अदरवाइज हमारे जैसे लोग ऐसे बना के लिखेंगे है ना. ओके, नाउ आधार पर जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट की है, विच से दैट आधार पास द ट्रिपल टेस्ट ऑफ प्राइवेसी. ट्रिपल टेस्ट कौन कौन सा है? पढ़ा होगा आपने. वन इज एग्जिस्टेंस ऑफ लॉ. जो राइट टू प्राइवेसी है ना, इन दैट सुप्रीम कोर्ट सेड दैट वेदर अ पर्टिकुलर थिंग वायलेट अ राइट टू प्राइवेसी और नॉट, इट विल बी जस्ट बेस्ड ऑन थ्री एस्पेक्ट. वन इज एग्जिस्टेंस ऑफ लॉ. एग्जिस्टेंस ऑफ लॉ आधार ने पास किया टेस्ट या नहीं किया ना. हमने क्या बनाया? बॉडी बना दी बाय एक्ट. तो ये ठीक है. इट मींस दैट आधार इज नॉट वायलेटिंग अ राइट टू प्राइवेसी. द सेकंड इज लेजिटिमेट इंटरेस्ट, कि वो जो द थिंग यू आर डूइंग. फॉर एग्जांपल आपने गवर्नमेंट ने बोला दैट आधार कार्ड चलेंगे, इट मींस एक तो वो सुप्रीम कोर्ट ने बोला इफ यू एस्टैब्लिश इट बाय लॉ तो वो आपका राइट टू प्राइवेसी वायलेट नहीं करेगा. इन्होंने लॉ एक्ट किया, इट मींस दैट इट हैज पास. द सेकंड इज लेजिटिमेट इंटरेस्ट. गवर्नमेंट सेज दैट लेजिटिमेट इंटरेस्ट इज क्या है? वेलफेयर ऑफ पीपल है ना, क्योंकि हम डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम लेकर आए. इट मींस दैट आधार इज बेनिफिटेड टू द पुअर पीपल. तो ये भी टेस्ट क्लियर. द थर्ड स्टेज इंटरव्यू, दैट इज टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. नाउ व्हाट इज द टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी? इट सेज दैट वी हैव टू सी द बेनिफिट
versus red. Now these all tests passed by Aadhar. On the basis of these, Supreme Court said that Aadhar is not violating a right to privacy. Clear? Yeah, the third one is test of proportionality mein kya aayega? That benefit versus threat. It means that with the Aadhar, you are providing a benefit to people and you have to compare the threat. Ke, jo data ke theft hai, uska threat kitna. Phir unhone bola that it is focusing on the poor people. To aisa nahi ho, Ambani ko midday meal thoda na denge. Hai na? So it means that poor people का data theft करने का chance भी कम है. तो ऐसा exam में मत लिखना, पर मैं ऐसे बात कर. वो फिर वो जान जाएंगे वो दाहिन दूर है. Supreme Court ने और क्या क्या judgment दी? ये हो गया. And Supreme Court said that Aadhaar is mandatory for ID return and PAN card. Then eligible for direct benefit transfer. जितनी भी स्कीम है जो आ रहा है ना, बैंक अकाउंट में पैसा आ जाता है आपके, that is there. Then it set up down National Interest Clause. This privacy is also a we can say topic of essay. जो मैंने एक ये भी लिखवाया था, ठीक है? हाँ जी बोलो. Direct benefit transfer जो आता है वो सिलेंडर और गैस में एलपीजी. सर इसमें मैं गवर्नमेंट ये भी कर रही है कि आधार कार्ड पैन कार्ड की जगह पे आधार कार्ड यूज़ होगा. वो तो अभी करवाऊंगा मैं. अब ये मैं एक्चुअली बेसिक करवा रहा हूँ फ्रॉम द स्टार्टिंग. पहले राइट टू प्राइवेसी है, वो आएगा अभी. अरे टेंशन मत, ठीक है? सो इट मीन्स दैट अदरवाइज आपको कभी समझ ही नहीं आएगा जिंदगी में. ये आपको आउटस्टैंड करेगा फ्रॉम द अदर कैंडिडेट. दिस इज ऑल अ वैल्यू एडिशन थिंग. ये न्यूज़पेपर में नहीं है बट गिवन इन द ओरिजिनल जजमेंट, ठीक है? इट मीन्स दैट यू हैव टू पास दिस ट्रिपल टेस्ट. वन इज रेजिस्टेंस ऑफ लॉ, दैट इज देयर इन आधार, गवर्नमेंट ने बाद में इनेक्ट किया, गवर्नमेंट का क्लियर. देन लेजिटिमेट इंटरेस्ट, यस वी आर प्रोवाइडिंग डायरेक्ट बेनिफिट टू अ पीपल. हम वेलफेयर स्कीम के लिए, सो इट मीन्स दैट लेजिटिमेट इंटरेस्ट तो है ना. देन वी आर प्रोवाइडिंग अ टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कि कितना आप बेनिफिट दे रहे हो उसके रिगार्डिंग कितना थ्रेट है. सो ऑल दीज टेस्ट पास. सो सुप्रीम कोर्ट सेड दैट आधार इज अ वैलिड. Then Supreme Court also said that ID return and PAN card के लिए compulsory. Then Supreme Court said that eligible, you can use Aadhaar card for DBT. Then it struck down the National Interest Clause. National Interest Clause है. National Interest Clause say that कि जो भी information होगी, we can disclose of a particular person in the favor of national interest. अब आपको RTI याद होगा. RTI के बारे में वो तो पता ही है ना सभी को. नो व्हेन यू फाइल अ RTI तो गवर्नमेंट जवाब क्या देती है? दैट वी डू नॉट डिस्क्लोज दिस इंफॉर्मेशन बिकॉज ऑफ नेशनल इंटरेस्ट. तो वहाँ पर डिस्क्लोजर, ठीक है, डिस्क्लोज नहीं करती गवर्नमेंट. एट दैट टाइम गवर्नमेंट सेइंग दैट इट इज़ नॉट इन इंटरेस्ट ऑफ नेशन, ठीक है, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, वी कैन नॉट डिस्क्लोज, नेशनल की सिक्योरिटी को खतरा होगा एंड ऑल दिस. जैसे जो सर्जिकल स्ट्राइक थे, जब वो केजरीवाल ने पूछा ना भी बता दो कैसे हुए, तो देन दे सेड दैट वो देशद्रोही एंड ऑल दिस थिंग है ना. तो देन गवर्नमेंट सेड दैट दिस इज़ अ इशू ऑफ अ नेशनल इंटरेस्ट. वो टीवी पर चलता रहा ना कितने कि केजरीवाल ने कैसे पूछा वो पाकिस्तानी, बाद में मूवी बना दिया, वो नेशनल इंटरेस्ट कहाँ गया. देन यू डिस्क्लोज द इंफॉर्मेशन व्हेन यू सीज़ द पॉलिटिकल बेनिफिट, है ना. अब डाटा प्रोटेक्शन बिल जो है अभी पेंडिंग है, उसमें इशू क्या है? डाटा प्रोटेक्शन बिल सेइंग दैट वी कैन डिस्क्लोज आर इंफॉर्मेशन ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन व्हेन एवर इट इज रिक्वायर्ड और इन द फेवर ऑफ नेशनल इंटरेस्ट. तो ये इशू है. अब नेशनल इंटरेस्ट को तो आपने डिफाइन नहीं किया, दैट व्हाट इज द नेशनल इंटरेस्ट और है क्या, है ना. तो इट मीन्स दैट गवर्नमेंट कैन मिस यूज दैट.
कि हाँ इसकी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करो बिकॉज ऑफ नेशनल इंटरेस्ट. सो सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया सर. क्लियर, ये इतना क्लियर. नाउ गवर्नमेंट ने ऑर्डिनेंस पास किया. अभी जो आधार अमेंडमेंट बिल लेकर आई है उसका इशू आपको तभी समझ आएगा इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस. क्लियर, रब करूँ इसको. ओके, नाउ आधार अमेंडमेंट बिल इसमें क्या किया है. अगर है ही ऑप्शनल की क्लास, ऑप्शन है ना आपके पास. अच्छा, तो आधार अमेंडमेंट बिल में गवर्नमेंट ने अभी क्या किया है. गवर्नमेंट सेज दैट जो सिम कार्ड एंड ऑल दी सिम, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट सेड दैट नो फॉर अ प्राइवेट एजेंसी. जैसे हमने तो दे दिया आधार कार्ड फॉर सिम कार्ड एंड ऑल दी, जियो के ले लिए सभी ने, है ना. तो आधा डेटा तो जियो के पास ही है. बट नाउ गवर्नमेंट सेज दैट इट इज वॉलेंट्री. सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट के में क्या बोला था, इट प्रोहिबिट द प्राइवेट एजेंसीज टू यूज आधार कार्ड. ठीक है, तो प्रोहिबिशन और अब कल क्या किया उन्होंने, दे मेक इट वॉलेंट्री. वॉलेंट्री का मतलब क्या है. नो दे आर सेइंग दैट इट डिपेंड ऑन अ पर्सन, कि आप आधार कार्ड से अगर सिम लेना चाहते हैं यू कैन बाय दैट, अदरवाइज कंपल्सरी नहीं है. इफ यू डू नॉट हैव अ आधार कार्ड इवन देन यू कैन गेट अ दिस सिम कार्ड एंड वगैरह जो भी. ठीक है, डॉक्यूमेंट. सो वॉलंटरी और प्रोहिबिशन में जो अभी डिबेट चल रही है दैट इज दिस. नो वॉलंटरी डज नॉट मीन दैट इट डू नॉट वायलेट प्राइवेसी. बिकॉज फॉर एग्जाम्पल आपके वॉलंटरी तो नहीं है दैट व्हेन यू बाय अ सिम कार्ड यू हैव टू डिपॉजिट फोटो स्टेट ऑफ दिस, क्या कहते हैं, आधार कार्ड एंड ऑल दिस, डेटा तो नहीं देना. बट फॉर एग्जाम्पल कईयों का मन करता है चलो आधार कार्ड ही दे देते हैं जल्दी हो जाएगा, है ना. तो वो तो डेटा आपका गया वहाँ पे, चाहे वॉलंटरी दी है. इफ गवर्नमेंट फॉलोज द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट विच प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिटेड मतलब अगर आपके पास अकेला आधार कार्ड है इवन देन यू कैन नॉट गेट अ सिम कार्ड, क्योंकि वो लेंगे नहीं वो प्राइवेट एजेंसी. बट वॉलंटरी में क्या होगा, अगर आपके पास आधार है तो आधार दे दो, दूसरा तो चले जाएगा. इट मीन्स दैट अगर 100 बंदों ने खरीदा है सिम कार्ड, 40 फॉर एग्जांपल वॉलंटरी उन्होंने कहा आधार कार्ड ही है हमारे पास, ठीक है, और तो कुछ है नहीं, ना वोटर कार्ड है ना और दिस है नहीं, तो आधार कार्ड है, हमने आधार कार्ड दे दिया. इट मीन्स दैट 40% ऑफ पीपल डेटा इज विद द प्राइवेट एजेंसी. अब वो वायलेट करेगी बिकॉज दैट इज नॉट अ इनेक्टेड बाय लॉ. तो वो तीन एस्पेक्ट याद करो, प्रोफेशनलिटी टेस्ट हमने किया था ना, दैट इट शुड बी इनेक्टेड बाय लॉ. इट मीन्स दैट अगर डेटा प्राइवेट एजेंसी के पास है इट इज़ अ वायलेशन ऑफ दैट. दूसरा क्या था, लेजिटिमेट इंटरेस्ट. अब प्राइवेट एजेंसी का लेजिटिमेट इंटरेस्ट क्या है, लेजिटिमेट तो नहीं है, दे आर नॉट प्रोवाइडिंग अ बेनिफिट टू अ पर्टिकुलर पर्सन, पैसा ले रहे हैं और वो, ठीक है, इट्स नॉर्मल थिंग. द थर्ड वन इज प्रोपोर्शनैलिटी. प्रोपोर्शनैलिटी में क्या आएगा, बेनिफिट कितना और थ्रेट कितना. सो इट मीन्स दैट दिस वॉलंटरी प्रोविजन इज वायलेटिंग द ट्रिपल टेस्ट ऑफ प्राइवेसी. क्लियर है, ठीक है, चलो फिर बताओ. ये पहले वो इंफॉर्मेशनल एंड ऑल दिस वो लिख लीजिए आपने, चलो लिखो रीसेंट रीसेंट लेंगे. इन पुटास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इन पुटास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड दैट, सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड दैट right to privacy will be a right to privacy will be protected as intrinsic right, right to privacy will be protected as intrinsic part of right, intrinsic part of right to life, right to privacy will be protected as intrinsic part of life
and personal liberty under Article 21. So it, it means that it is an intrinsic part of right to life. Repeat karo. Sir, right to privacy will be protected as intrinsic part of right to life and personal liberty under Article 21. Yes. तो इसके तीन aspect हैं, वो आपने लिख लिए हैं. Which include three aspect. मैं repeat कर देता हूँ, अगर लिखे हैं तो जरूरत नहीं. One is informational. Informational में क्या आएगा? What you earn, sell, providing information. Second is physical. इसमें क्या आएगा? Body biometrics. Body biometrics में क्या आएगा? Aadhar card. The third one is privacy of choice. Privacy of choice में क्या आएगा? Food, beef. What you eat and all these. ठीक है. अब नेक्स्ट लिखो आधार कंट्रोवर्सी. सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द वैलिडिटी ऑफ आधार एक्ट. सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द वैलिडिटी ऑफ आधार एक्ट एंड सेइंग इट बेनिफिटेड द मार्जिनलाइज्ड पुअर. इट बेनिफिटेड द मार्जिनलाइज्ड पुअर. Benefited the marginalized poor and takes into account the Supreme Court upheld the validity of Aadhar card नहीं Aadhar Act. ठीक है. Supreme Court upheld the validity of Aadhar Act. हो गया ये. Yes. And saying it benefited the marginalized poor and takes into account the dignity of people and takes into account the dignity of people and takes into account the dignity of people not only from personal but also from community point of view. ठीक है. अब ट्रिपल टेस्ट में क्या क्या आएगा, लिख लिया ये आपने ट्रिपल टेस्ट का. वन इज एग्जिस्टेंस ऑफ लॉ, लेजिटिमेट स्टेट इंटरेस्ट एंड टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी. सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में और क्या क्या था? आधार मैंडेटरी फॉर फाइलिंग आईडी रिटर्न, ये भी लिख दिया. पैन कार्ड एंड ऑल दिस थिंग. बाल आधार कार्ड. नाउ अमेंडमेंट बिल में है क्या? जो अमेंडमेंट बिल है, वन इज अमेंडमेंट टू इंडियन टेलीग्राफ एक्ट. देखो जो अभी रिसेंटली अमेंडमेंट बिल आया ना, उसमें गवर्नमेंट ने क्या क्या किया उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ. वन इज अमेंडमेंट टू इंडियन टेलीग्राफ एक्ट. टू परमिट. अब इसको अमेंड क्यों किया? टू परमिट इंडियन टेलीग्राफ एक्ट. हो गया. टू परमिट टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर. टू परमिट टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर टू यूज आधार ऑन वॉलंटरी बेसिस. समझ आ गए? समझ आया? वॉलंटरी बेसिस मैंने बताया ना, दैट दिस वॉलंटरी बेसिस इज अ वायलेशन ऑफ ट्रिपल टेस्ट. क्योंकि वॉलंटरी में, ठीक है. The second is amendment to prevention of money laundering act, PMLA. Amendment to prevention of money laundering act. इसमें क्या है? Two encompasses banking companies financial institutions etc to voluntary use Aadhar card. ठीक है. इनको भी voluntary use के लिए अलाउ किया गया.
अब इश्यू क्या है इसका, एनालिसिस लिख लो दो लाइनों में, बिकॉज अभी ये पूरा एक्ट पास हुआ नहीं बिल, तो जो कॉन्ट्रोवर्सी है इशू है वी विल डिस्कस ऑन दिस, ठीक है। तो इसमें लिख लो एनी न्यू यूज ऑफ आधार, एनी न्यू यूज ऑफ आधार डेटाबेस, एनी न्यू यूज ऑफ आधार डेटाबेस री ओपन प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी रिस्क, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी रिस्क फॉर पीपल, सो नीड अ कंप्लीट बैन, नीड अ कंप्लीट बैन, कंप्लीट बैन करो ना ऑन अ प्राइवेट एजेंसी। सेकंड पॉइंट, इट वायलेट द थ्री पार्ट टेस्ट गिवन इन पुरुषास्वामी जजमेंट, जो हमने टेस्ट किया ना, दैट थ्री थिंग्स आर देयर, इट वायलेट द थ्री पार्ट पीएआरटी थ्री पार्ट टेस्ट इन गिवन इन पुरुषास्वामी जजमेंट, ठीक है। एक लास्ट लिख लो, प्रोविजन ऑफ आधार इज वॉलंटरी डज नॉट सेटिस्फाई that there is no threat to privacy, that there is no threat to privacy, clear, ठीक है, समझ आया last? तो इसमें आधार की बेसिस पर प्रीलिम पर क्या क्वेश्चन आएगा, दो तीन लिख दो। One is biometrics, what is biometrics? Biometrics है क्या? मेजरमेंट है ना, इट इज अ मेजरमेंट ऑफ बॉडी, सो लिखो इट इज अ साइंस ऑफ एनालाइजिंग फिजिकल और बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पर्सन। नो इन दिस आपको जो प्रीलिम में क्वेश्चन आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन कैन बी इंक्लूडेड इन अ वी कैन से दिस बायोमेट्रिक्स, है ना, ऐसे ही आएगा। तो इसमें लिख लो बायोमेट्रिक्स में आता क्या क्या है, नंबर वन फिजियोलॉजिकल मेजरमेंट, नंबर वन। तो अगर आपको क्वेश्चन आया तो ऑप्शन हो गया, यू कैन ड्रिंक ऑल दो एवरी थिंग विच इज इंक्लूडेड इन दिस इज अ बायोमेट्रिक्स फिजियोलॉजिकल मेजरमेंट। इसमें क्या आएगा, फिंगरप्रिंट, शेप ऑफ फिंगर, वेन पैटर्न, वेन, VEIN, इरिस, रेटिना, आइरिस, इसको बोलते हैं आइरिस एंड रेटिना, शेप ऑफ फेस, ये जो सारे हैं दीज आर मॉर्फोलॉजिकल, है ना। देन और क्या क्या है, डीएनए, ये फिजियोलॉजिकल में ही, फिजियोलॉजिकल में जो ऊपर वाले हैं फिजियोलॉजिकल का पार्ट है, वन इज मॉर्फोलॉजिकल अनदर वन इज बायोलॉजिकल। तो वो मॉर्फोलॉजिकल जो मैंने लिखवाए हैं अभी, बायोलॉजिकल पार्ट में क्या आएगा, डीएनए, ब्लड, सलाइवा, यूरिन, सो दीज आर फिजियोलॉजिकल। द सेकेंड इज बिहेवियरल में क्या क्या आएगा, वॉइस रिकॉग्निशन, सिग्नेचर डायनेमिक्स में ब्रैकेट में लिख लो स्पीड ऑफ मूवमेंट ऑफ पेन, प्रेशर एक्सर्टेड, इंक्लिनेशन, ब्रैकेट क्लोज, देन गेट, GAIT, गेट, देन कॉमा, साउंड ऑफ स्टेप,
एक्सेट्रा. तो नॉर्मली अगर कोई क्वेश्चन आया तो इनमें से कोई भी रिलेटेड होगा देन ऑल ऑफ दी बॉल्स आएगा. ठीक है, क्लियर. तो दीजा बाल आधार कार्ड के बारे में पता है? बालवीर नहीं बाल आधार कार्ड क्या है? इसका और नाम है दूध आधार कार्ड. नहीं बोलो. इसमें लिख लो एज लिमिट कितनी है? लेस देन 5 ईयर. तो इफ अ पर्सन इज लेस देन 5 ईयर उसका आधार कार्ड कौन सा बनेगा? बाल आधार कार्ड. उसमें फिंगरप्रिंट चाहिए? नो. तो इसमें चाहिए क्या क्या? एक तो बर्थ सर्टिफिकेट, देन यू नीड अ आधार कार्ड ऑफ वन ऑफ द पेरेंट्स. सो अगर वो स्कूल में गया है देन आईडी उसके स्कूल का. ठीक है, और उसके बाद फॉर एग्जांपल वो 5 साल के बाद 6 साल में हुआ देन यू नीड अ बायोमेट्रिक. और उसके बाद 15 साल का जब होगा देन फिर एक बार उसको रिव्यू किया जाएगा, दोबारा उसकी रीऑथेंटिकेशन होगी. ठीक है, और UIDAI एजेंसी जो आधार कार्ड को देती है उसके बारे में 2 लाइनें लिख दो. यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI. स्टैट्यूटरी बॉडी है कॉन्स्टिट्यूशनल? स्टैट्यूटरी बॉडी. ठीक है, एक UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया. नाउ ये कौन सी गवर्नमेंट के अंदर है? ओ सॉरी, क्या कहते हैं, मिनिस्ट्री. कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर है? आईटी MEITI भाई, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. तो इसको होम मिनिस्ट्री के साथ मतलब रिलेटेड है. मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. फर्स्ट जो आधार कार्ड इसने इशू किया था इन 2010. तो ये प्रीवियसली सी इट वाज प्रीवियसली अटैच्ड विद द प्लानिंग कमीशन और उसके बाद नीति आयोग आ गया. तो उसके बाद नीति आयोग में देन उन्होंने तो पहला जो आधार कार्ड इसने 2010 में इशू किया. क्लियर, सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे.